दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे, बात करेंगे निपाह वायरस के बारे में, आपको कंप्लीट जानकारी देंगे ये वायरस होता क्यों हो, क्यों है और कैसे फैलता है, और सबसे बड़ी बात है इसका नाम निपाह क्यों पड़ा। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निपाह वायरस है क्या? तो निपाह वायरस क्या है? यह एक ऐसा इन्फेक्शन है जो फल खाने वाले चमगादड़ों द्वारा मनुष्यों को अपना शिकार बनाता है। यह इन्फेक्शन सबसे पहले सुअरों में देखा गया था, लेकिन बाद में यह वायरस इंसानों तक भी पहुँच गया। वर्ष 2004 में बांग्लादेश में इंसानों पर निपाह वायरस ने हमला करना शुरू किया था। निपाह वायरस चमगादड़ों द्वारा किसी फल को खाने तथा उसी फल को मनुष्य द्वारा खाए जाने पर फैलता है। इसमें अधिकतर खजूर एवं तार शामिल है। तो जो दोस्तों निपाह वायरस सबसे पहले इंडिया में जो देखा गया था वो केरल में निकला है, जो कि दो दंपति हैं जो इनको वायरस पाया गया था और दोनों का मृत्यु हो गई। तो आगे देखते हैं निपाह वायरस कैसे फैलता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह वायरस चमगादड़ से फैलता है, इन्हें फूट बैट भी कहा जाता है। जब यह चमगादड़ किसी फल को खा लेते हैं और उसी फल या सब्जी को कोई इंसान या जानवर खाता है तो संक्रमित हो जाता है। निपाह वायरस इंसानों के अलावा जानवरों को भी प्रभावित करता है। अब तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। इससे संक्रमित व्यक्ति का डेथ रेट 74.5% होता है। पहली बार इस वायरस का पता डॉक्टर कॉविंग चुआ ने 1998 में लगाया था। इस दौरान डॉक्टर विंग मलेशिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से स्नातक कर रहे थे। उसके बाद निपाह वायरस का नाम निपाह क्यों पड़ा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 1998 में मलेशिया में पहली बार निपाह वायरस का पता लगाया गया था। मलेशिया के सुंगई निपाह गांव के लोग सबसे पहले इस वायरस से संक्रमित थे। इस गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह वायरस पड़ा। उस दौरान ऐसे किसान जिसके संक्रमित हुए थे जो सुअर पालन करते थे। तो दोस्तों ये बेसिक वीडियो था आपको निपाह वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।